हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के चल रहे आंदोलन का भी पूर्ण समर्थन करती है। ये बात हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही है। आपको बता दें कि करनाल के मानव सेवा संघ में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। इस अवसर पर मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि सरकार जो किसानों को पराली जलाने के नाम पर प्रताड़ित करती रहती है एवं उन पर मुकदमे दर्ज करती है वह बेहद निंदनीय है, क्योंकि वैज्ञानिक भी बता चुके हैं कि पराली से सिर्फ 13% ही पॉल्यूशन होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के मुद्दे पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते, उन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए मौजूदा सरकार से देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। इस मौके पर उन्होंने जननायक जनता पार्टी पर भी कड़े प्रहार किए। उन्होंने जननायक जनता पार्टी को सत्ता की लालची बताया। उन्होंने कहा कि देवीलाल के वंशज होने एवं लिखने व उनकी फोटो लगाने का इनको कोई हक नहीं है, क्योंकि चौधरी देवीलाल हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहते थे, परंतु मौजूदा दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सरकार को जो समर्थन कर रहे हैं वह सिर्फ सत्ता के लालच में कर रहे हैं, किसानों के हित की कोई भी बात वह नहीं करते। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले दिन से ही किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं और MSP की गारंटी कानून में करने की बात कर रहे हैं। इस मौके पर जिला कांग्रेस के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेसी नेता अरविंद मान निट्टू, ललित बुटाना, राजेंद्र बल्ला व नरेंद्र सिंह जोगा आदि मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ प्रीति कादन। करनाल के मानव सेवा संघ में हम मौजूद है, हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। सर से बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। सर स्वागत है आपसे, आपका सर का 7-8 दिन हो चुके हैं, किसानों का समर्थन चल रहा, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज समस्त देश का किसान, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे आंध्र का, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, उत्तर हिमाचल का, समस्त देश का किसान, आज बंगाल से भी समर्थन आया ममता जी का, किसानों की इन 3 काले कानूनों को रद्द करने की जायज और लोकतांत्रिक मांग को लेकर समूचे देश का समर्थन उनको मिला है। समाज के भी सभी वर्गों का, चाहे आड़ती है, चाहे व्यापारी, चाहे कर्मचारी, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, हर वर्ग का समर्थन आज किसानों के साथ। ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, ये अब देश का आंदोलन बन गया है, और ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठी है, और इस आवाज़ को आज की जो ये अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने वाली सरकार दबा नहीं पाएगी, मेरा ये कहना। सर, BJP वाले कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो किसानों को भटका रही है, कि जबकि ये जो कानून है उनके हित में है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो BJP कांग्रेस को सहला रही है, BJP किसानों को सहला रही है, हम तो भड़का रहे हैं और वो मना रहे हैं, वो सहला रहे हैं। उनके सहलाने का ढंग अजीब है, वो सहलाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करते हैं, वो किसानों का समर्थन करने के लिए आंसू के गैस के गोले छोड़ रहे हैं उन पर, वो उन पर पानी की बौछारें मार रहे हैं, तो वो किसान के समर्थक है, हम विरोधी हैं। एक सर, धान कटने का जब टाइम आता है, जो पराली का धुआं जाता है, तो केंद्र सरकार कहती है कि इस ये धुआं हरियाणा की, मतलब किसानों की तरफ से आया है, जहरीला है, लेकिन अभी जब पूरे के सारे किसान वहाँ पे पहुँच चुके हैं तो मोदी जी की कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दिल्ली में प्रदूषण होता है उसका केवल मात्र 13% पराली जलाने से, ये वहाँ के साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट, तो ये कहना कि वहाँ पर प्रदूषण केवल पराली जलाने से है बिल्कुल गलत है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की चुप्पी का सवाल है, ये ऐसा प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र के इतिहास में है जिसने आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं किया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया, तो चुप तो है ही। और कई बार आदमी
अपनी गलती को मानकर भी चुप हो जाता है। शायद प्रधानमंत्री के दिल में देश के बढ़ते हुए किसानों के आंदोलन की आग को देखते हुए कहीं ना कहीं मन में ये बात आई है कि भी मैंने गलती की है इसलिए चुप है। देखो भी जेजेपी पार्टी जो है वो तो अपने राज की खाज मिटा रही है, वो तो मज़ा ले रही है, वो तो एयर कंडीशनड कारों में, बड़ी बड़ी कारों के अंदर झंडियां लगाकर सुरक्षा के घेरे में घूम रहे हैं, मंत्री पदों का मज़ा ले रहे हैं, पता नहीं क्या लालच है उनको। तो जो लोग चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर उनकी फ़ोटो लगाकर जननायक को मसीहा बताकर, थे भी मसीहा चौधरी देवीलाल, उनके नाम की फसल राजनीतिक फसल काट रहे हैं, आज वो चुप हैं क्योंकि राज को नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें कुर्सियों से प्यार है किसान से नहीं। धन्यवाद सर। तो सर ने बताया कि जो किसान का जो ये तीन कानून चल रहे हैं, किसानों की मांग सही है, उनको वापस बिल्कुल लेना चाहिए और जब तक किसान डटे रहेंगे तब तक वो भी उनका साथ देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका दैन, नमस्कार। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति काजन। करनाल के मानव सेवा संघ में हम मौजूद है, हमारे साथ है सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। सर से बात करेंगे किसानों के बारे में। सर, जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि वो उसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, किसान जब अंगड़ाई लेता है तो सफल होने के लिए लेता है। अगर हिंदुस्तान का किसान एकमुठ होकर आज अगर दिल्ली में कूच कर चुका है और दिल्ली में बैठ चुका है और सफल होने के लिए गया है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया था और देश को एकता अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे थे। उस देश को ये किसानों के मुद्दे पे तोड़कर फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का किसान दोबारा गुलाम नहीं होना चाहता, इसलिए किसान आर और पार की लड़ाई पर है, करो और मरो की लड़ाई पर है और हरियाणा कांग्रेस कमेटी उसका पूर्ण समर्थन करती है और जिला कांग्रेस कमेटी उसका पूर्ण समर्थन करती है। पूर्ण देश की कांग्रेस की तरफ से किसानों को कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, क्योंकि किसान परहेज करते हैं कि उनकी सभा में कोई राजनीतिक झंडा लेकर ना आए, अगर वो परहेज ना करे तो लाखों की तादाद में जो लोग पहुंचे हैं वो आज भाजपा के विरोध में हैं। अगर भाजपा के विरोध में हैं, पंजाब में अगर भाजपा के विरोध में हैं, राजस्थान में अगर भाजपा के विरोध में हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में अगर भाजपा के विरोध में हैं, इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस उनकी मदद करना चाहती है और कांग्रेस के राज में वो खुशहाल थे, इससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। सर, स्वागत है आपका भी। सर, अनिल विज जी का कहना है कि जो किसान है वो खेतों में ही अच्छे लगते हैं, प्रदर्शन करते अच्छे नहीं लगते, आप क्या कहेंगे? बीजेपी वाले, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे पहले, वो कहा करते थे कि बीजेपी वाले जो है वो जिम्मेदारों को देख के ये सरमाएदारों की पार्टी है। विज जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि भी ये खेत में अच्छे लगते हैं उनको, हम मंडियों के अंदर खेत में काम करने वालों को वो दले कपड़े में देखना चाहते हैं, खुशहाल नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्होंने ये काले कानून लेके आए हैं कि वो अपनी नीयत में उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो जो चाहते थे वो उनकी मन की अंशा सामने आ गई है। सर, 7-8 दिन हो चुके हैं, किसान भी अपने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सरकार से भी 4 बार बात हो चुकी है, कल फिर एक बार वार्ता होनी है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जानबूझकर इसको आगे से आगे टाल रही है, वो कुछ बात नहीं कर रही है? एक तरफ सरकार की मंशा इससे साफ नज़र आ रही है, सरकार इसको लिंगर ऑन कर करके और इसको तोड़ना चाहती है, इनको मनोबल को कमज़ोर करना चाहती है कि आहिस्ता आहिस्ता कर करके ये ठंड के अंदर या वैसे कमज़ोर पड़ जाएँ, लेकिन ये हमारा आंदोलन जिम्मेदारों का कमज़ोर नहीं पड़ेगा और ये बहुत और ज़्यादा बलपूर्वक जितना ये इसको डिले करेंगे ये उतना ही ज़्यादा उग्र रूप प्रदान करता चला जाएगा। सर, आप जिम्मेदार जो हैं वो मन से बिल्कुल अब तंग आ चुका है और वो बिल्कुल सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। सर, स्वागत है आपका जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के आंदोलन के बारे में? मैं तो आज ये जो आपने यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी है, किसानों का जो एजिटेशन चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा किसानों की तरफ से बलिदान दिया जा रहा है कि देश के लिए किस तरह से बीजेपी सरकार ने
तीन बिल पास करके किसानों को गला घोटने वाला तरीका जो अपनाया है, ये कभी भी और हमारे देश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। मैं बींग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल का प्रधान हूँ करनाल में, जितनी भी हमारे तरफ से मदद किसान मांगेंगे हम लीगल सेल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल मदद करेंगे। और मैं तो किसानों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों को मांगें और बीजेपी सरकार को हिला के रख दें। सभी जनमत, सभी हम लोग, मीडिया लोग, सब लोग उनके साथ हैं और आगे बढ़ते रहें, सारा देश उनके साथ है। तो ये थे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, इनके प्रेजिडेंट लीगल सेल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे। इन्होंने बताया कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में वो ज़रूर कामयाब होंगे, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। बीजेपी वालों को, बीजेपी सरकार को, जो चाहे केंद्र में हो, हरियाणा में हो, उनको उनकी बात ज़रूर सुननी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका दैन, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.